पिछली बार अक्सर यहाँ आता है टाइगर, एक ग्रास लैंड है पूरा, तो पानी पीने उस साइड को ना। ये गांव में एंटन ग्रास है और अभी हम वहाँ टाइगर का इंतजार, और हम रिवर के किनारे आ गए। बिल्कुल हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो जी, लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा ही होगा, जब हम नेपाल एंटर हुए थे। हम आए थे शुक्लाफाटा नेशनल पार्क, जो कि नेपाल में है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि पैदल सफारी भी होती है, मतलब जंगल वॉक होती है जिप्सी के साथ, मतलब सफारी आप जब करते हैं तो जंगल वॉक भी होती है, जहाँ कि आपको बहुत सारे खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। और हम वही जंगल वॉक में आए थे अपनी जिप्सी से उतरकर, और अब आगे क्या होगा उसके लिए आप बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। वहाँ पीछे ही देख रहा है वो, मैं उसी पार देख रही हूँ। और अभी चेक करने जा रहे हैं टाइगर इसके पग मार्क्स, क्योंकि अपडेट है। ये कह रहे इधर की तरफ फीमेल है और ऊपर की तरफ मेल है, पहले फीमेल का मूवमेंट चेक करते हैं और फिर मेल का करेंगे। चलेंगे आगे पीछे नहीं रहेंगे, देख के। निकले हैं बच्चे वाला ना, अच्छा पानी पी के गया है और आउटर निकले हैं, अच्छा ना पुराना है उसका। तो क्या उस तरफ ही चले? हाँ उधर को चले जहाँ कॉल आ रही है। अब तुम डर लग रहा है, नहीं तो मैं ऐसे थोड़ा देर वहाँ ले जाता। नहीं नहीं, यहाँ पे तो पिछली बार खेल था ना, ऐसे मैंने
अभी परसों हुआ है मॉक चार्ज पे। टाइगर पूप है, टाइगर पूप। क्या कह रहे हैं राइनो से कैसे बचते हैं? हट जाएं, थोड़ा थोड़ा हटना पड़ता है, जो स्पीड आया आने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप में हिम्मत है ना, थोड़ा साइड कर दो, तुम पैर पे नहीं चला है, थोड़ा इतना कर दो तुम, तो निकल जाएगा वो। अच्छा। निकल के तुरंत घूम नहीं पाता है वो। अच्छा। जैसे वो सांड के स्पीड में, हाँ। स्पीड एकदम दे दी उसको, तो वो शिकार का अवस्था में अटैक करने का आता है ना, कान फिटिक। तो अभी जोशी जी बता रहे टाइगर के बारे में, अगर कभी आमना सामना हो टाइगर से तो क्या करना है? तो बोलना अब हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, तो वो उसके मुंह देके पीछे ऐसे निकलना है क्या? अच्छा, ये वाला हिस्सा कभी भी मत दिखाना। तो ये जोशी जी बता रहे थे कि बाय चांस चिल्ला सकते हैं नहीं, ये लाठी है तो थोड़ा मार दीजिए जमीन में, नहीं तो उसको थोड़ा इसको ऐसे करके हाइट दिखा दियो। अब एकदम नजदीक पहुंच गया ना, फिर तो कोई कपड़ा वपड़ा फेंक दो, तो उसमें थोड़ा सेंट लेगा ना, दो मिनट एक मिनट तो रुक जाएगा, तो पीछे हटना। तो पेड़ में चढ़ना है तो बड़ा पेड़ मत चढ़ना, जब टाइगर आ गया तो बड़ा पेड़ में नहीं चढ़ना। अच्छा, छोटा सा पतला लंबा, क्योंकि उसका ऐसे ऊन आपको जिसमें ओना चढ़ता है। तो ये बताते जोशी जी, बाय चांस टाइगर अगर सामने आ जाए और आपका सामना हो जाए तो क्या करें? हो जाएगा ना, मतलब साइड से जाना होता नीचे से, तो अलग जाके ये भी है कि किल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पिछली बार यही था टाइगर का किल, उसके बगल से हम निकले थे, तब तक मॉक चार्ज नहीं हुआ था। गाड़ी में बहुत दूर थे, तो हम पैदल हैं, तो कितना रिस्की हो सकता। पिछली बार तुम नहीं थी, हम थे। और अब हम इस तरफ जा रहे हैं जहाँ से कॉल आ रही थी। जोशी जी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइगर का नहीं है, ये डियर का है। डियर के जब नए एंटलर्स आते हैं तो उसमें वेलवेट होता है, उसको गिराने के लिए वो रगड़ता है पेड़। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सब साथ साथ में चलें, थोड़ा आगे पीछे हो जा रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना ग्रुप में चलें। और जोशी जी हमसे थोड़ा आगे जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें इस जगह का पूरा आइडिया है, और वो सारा चेक करते हुए जा रहे हैं कि आगे कहीं टाइगर या लेपर्ड ना हो, क्योंकि उनको हमसे बहुत ज़्यादा आइडिया है। और फिर वो रास्ता भी बना रहे हैं कि एक तो हमें रास्ता भी नहीं पता, और हम उनके बिल्कुल साथ साथ भी नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें बिल्कुल शांत हो गए, थोड़ा आगे अकेले निकलना है, तो थोड़ा सा गैप हो रहा है हमारे बीच में। पहुंच गए, देखते हैं, चलते हैं। देखो रोको, नहीं निकल जाएगा, नहीं आएगा। आ सकता हूँ अकेला, मोड़ा चेंज कर दिया। और अब हम सेकेंड कॉल को चेस करते हुए बाहर निकल निकल रहे हैं। ये तो पाम के हैं, नहीं ये फोन है, फोन है ना, फोन में। हाँ, और दूसरा पहले गॉल भी तो है इसमें, अभी ताल पे जा रहे ताल। और हम फिर चले नीचे की ओर। उतर जाते हैं, कैमरा उठाएंगे, आपको टेरेन दिखाते हैं। यहाँ पर अगर सेटिंग हुई तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए क्या सुंदर एरिया है, चारों तरफ से नदी ही नदी। एरिया में
टाइगर बहुत बार देखा गया है, अक्सर यहाँ आता है टाइगर, एक ग्रास लैंड पूरा तो पानी पीने आता है, और अगर यहाँ साइटिंग होगी तो क्या ही बात होगी, पूरा टाइगर वहाँ से चलते अगर नदी तक आएगा तो कचा। ये वही नदी जहाँ हम वेट कर रहे थे वही नदी है जो इधर से जा रही है, फिर हमें इसी एरिया में आ सकता है। इस साइड से कॉल आ रही थी, हम थोड़ा लेट आए हैं, आ गया उस साइड को ना। और भैया जैसे बता रहे उधर की तरफ क्रोकोडाइल है बैंड पे, हैरान भी बैठी है, डक्स भी बैठी है। बस हम अपने मोड़ तक जा रहे हैं, ग्रुप में चलेंगे। हम साइड साइड से जा रहे हैं, दिखाएंगे कह रहे हो, अब उनका यही है, ऐसे ही चलता है नेपाल में। ये राइनो है शायद, ये राइनो के मार्क्स हैं शायद। अंजुष्टी जी जा रहे हैं पानी में। ये नदी जो आप बहती हुई देख रहे हैं इसे नेपाल में महाकाली नदी बोला जाता है, और उत्तराखंड में शारदा नदी बोलते हैं, और उत्तराखंड में कुछ जगहों पे काली गंगा नदी भी बोलते हैं, जैसे कि धारचूला जौलजीबी साइड में काली गंगा नदी बोलते हैं, और फिर ये चंपावत पूर्णागिरी सब जगह शारदा नदी बोलते हैं, और यूपी में भी नदी बहती है। जब हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व जाते हैं जो कैनाल हमें दिखती है वो शारदा नदी की कैनाल है, और ये नदी का जो उद्गम स्थल है जहाँ से ये नदी निकलती है वो पिथौरागढ़ जिले से निकलती है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नाम की एक जगह है काफ़ी ऊँचाई में, वहाँ से ये नदी निकलती है। और जो भारत और तिब्बत का बॉर्डर है वहाँ पर काली माता का एक मंदिर है, तो कहा जाता है कि काली माता के नाम से ये नदी का नाम दिया गया है, और नेपाल में भी ये नदी बहती है कि कई सारे वन्य जीवों का आश्रय है। नदी में क्रोकोडाइल्स बहुत है जैसा कि आप सब जानते हैं, में भी मैं बताती हूँ, बहुत सारे जीव जंतु आते हैं पानी पीने के लिए, और नदी के किनारे किनारे कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ से नदी बहती है, उसके आसपास काफ़ी घने जंगल रहते हैं जिससे कि जीव जंतु पानी पे आते रहते हैं, और पानी के अंदर भी कई सारे जीव रहते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स और टर्टल्स, और इनको बहुत ज़्यादा आइडिया है जोशी जी को, इसीलिए हम इन्हीं के साथ आता और इन्हीं के साथ चल रहे हैं और इन्हीं की गाइडेंस में चल रहे हैं, जो कुछ ये कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल शांत रह के, क्योंकि और ग्रुप में
क्योंकि अपने हिसाब से चलने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, और शोर करके एक ही गलती सब पे भारी पड़ सकती है, इसलिए जैसा वो कहते हैं वैसे हम फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी पैदल सफारी का मन नहीं था, मैंने इन लोगों से भी बोला था कि अनसेफ है, लेकिन जोशी ने बोला कि मैं हूँ तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अक्सर यहाँ पैदल घूमा करते हैं यहाँ के जंगलों में, तो उनको आइडिया है हर चीज़ का। क्या ये पैर? अरे ये मुझे लग रहा है यार, ये टाइगर की पूँछ। इतनी कम नहीं होती है, टाइगर बहुत ज़्यादा करता है। इतनी कम नहीं करता टाइगर, टाइगर कम ही करता, बहुत ज़्यादा करता है टाइगर। लेपर्ड करता है कम, लेपर्ड। हाँ लेपर्ड डॉग की तरह करता है। एलिफेंट का पैर आप देखिए कितना बड़ा पैर होता है उसका। क्या खाया था कुछ? और पैदल में टाइगर से जितना डर नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा होता है एलिफेंट से डर। एलिफेंट क्योंकि एलिफेंट्स ग्रुप में चलते हैं, टाइगर तो आपको अकेला भी मिल जाएगा और ज़्यादा लोग होंगे तो वो हार्म नहीं करता है अक्सर, तो एलिफेंट्स तो झुंड में ही आते हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि ये किसकी पॉटी है, कोई कह रहा है टाइगर, ये टाइगर की तो बिल्कुल भी नहीं है, टाइगर बहुत ज़्यादा करता है। अभी हमने पीलीभीत में भी देखा, उससे पहले भी टाइगर की पूंछ में बाल वगैरह भी होता है, क्योंकि वो शिकार करता है तो उसकी पॉटी कुछ अलग ही होती है, उसमें बाल वाल भी होते हैं और लेपर्ड की डॉग की तरह होती है, लेकिन ये किसी हिरन वगैरह की होगी, गोबर की तरह है, क्योंकि थोड़ी गोबर की तरह है ना। तो जोशी जी अभी नदी के उधर बीच में गए थे, वो एरिया भी कवर करने और साइड का भी, ये तो कम उतला है, टाइगर बैठा हुआ पानी के पास तो दिख जाए, और कोई अभी कॉल नहीं, कोई मूवमेंट भी नहीं है, जहाँ पे कॉल थी वहाँ पर हमारे बात पानी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा की तरफ कॉल पानी पानी कमर तक हो ना, उसको बल पहुंचता है, ताकत पहुंचती है ना, ऐसे पानी में नहीं पहुंचा, ऐसे में तो क्रोकोडाइल कहां ऐसे दिख जाएगा, गहरे पानी में तो हमें छोड़ेगा भैंस तक नहीं उतर पाएगी। अच्छा, पानी इतना होना चाहिए, भैंस तक नहीं बच पाएगी, तो इतने पानी में कुछ नहीं, आप उतर सकते हो, ये इसमें कोई फर्क नहीं, उसको बल नहीं पहुंचेगी ना, ताकत नहीं पहुंचेगी, तो गहरे में नहीं उतरना, ना 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 उतरना ही नहीं, अरे वो तो वहां से निकल पाएगा। पूल कितना बड़ा होता है हाथी का पैर, ये देखिए, ये पूरा एक पैर मोर का, मोर की आवाज आ रही है, मोर की, मोर की नाम कॉल नहीं है, नॉर्मल काम करता है। ये गांव में एंटन क्रॉस है, और अभी हम वहां से जा रहे हैं, मुझे तो मैं भारतीय कोई से या कौन से खतरी जी खोना मत, तो अभी देखिए मेरा इसके अंदर क्या हो सकता है, हाथी, राइनो, टाइगर, लेपर्ड कुछ भी हो सकता है, हम उसके अंदर से आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या हिल है, नेपाल यहाँ की सफारी करने पता नहीं कि जन्म का बदला लेने के लिए आए हैं मुझे। आई नो एवरीथिंग, मैंने ये बोला, अरे हट तो जाओ आप रास्ते से, कि तुम लोग किस जन्म का बदला लेने मुझे नेपाल सफारी में लाए हो, ये बोल रही थी मैं। हमें तो लगा था आप हमें रोकोगे, आप खुद संभल लोगे। देखो चार लोग की आवाज़ और एक की आवाज़ किसकी भारी होगी, चार लोगों की ना, मेरे अकेले कहने से कुछ फर्क ही नहीं हुआ।
चला क्या होगा पानी में, क्रोकोडाइल बैठा हुआ था यहाँ पर, अभी है नहीं, गर्म हो गया वो चलते चलते, काफी धूप भी है। आओ आओ, क्या है, क्रोकोडाइल कहीं भी हो सकता है, साइड साइड में। हाँ गर्म तो बहुत है, उम्मीद तो यही थी टाइगर पानी के पास होगा, अब वो किस समय आएगा क्या ये नहीं पता, लेकिन अभी तो शायद आया नहीं है क्योंकि पग मार्क्स तो थे नहीं अभी। अब शायद एलिफेंट्स वगैरह होंगे इस एरिया में, तो इस वजह से वो आया नहीं होगा, क्योंकि पूरे झुंड में आते हैं एलिफेंट्स, तो टाइगर को भी डर रहता है। तो अभी जिस तरफ से हम आए थे, जब यहाँ से पहले जहाँ बैठे थे उस तरफ से काफ़ी कंटिन्यूस कॉल्स आ रही हैं, हम फटाफट से उसी तरफ को जा रहे हैं अभी। बाघ था यहाँ पे, कितने लोगों को मारा था उसने? एक लोग। अच्छा, तो उसको फिर पकड़ के काठमांडू ले गए जू। इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती होगी कि हम आगे जा रहे हैं। आर्मी के चेक पोस्ट पर इन्फॉर्मेशन देके आगे बढ़ रहे हैं। आगे शायद रैना जा रहा है, रैना नहीं है, खास देखिए कितनी ऊंची है यहाँ पे। नहीं है रैनो का, हाथी का, रैनो का इतना बड़ा जी, उसके पैर भी इतने बड़े होते हैं, बरसात में होंगे। नहीं नहीं वो पैर नहीं है, वो डियर होती ना, नमक के, नमक की तरह मट्टी खाती है वो। अच्छा, मट्टी खाई तो खोदा हुआ वो। वैसे में पुल भी है यहाँ पे, आपको बहुत स्किलफुल होना पड़ेगा, परफेक्ट पुल से निकाल पाए आप गाड़ी। टाइगर ऐसी झाड़ी में होता भी नहीं है यार, झाड़ी का कहाँ पसंद करता है, झाड़ी में नहीं, ओपन जगह घूमने का चक्कर होता है ना, फायर लाइन या वैसे ना, तो घूमने में मतलब नहीं होता, दिन में तो सो जाता है। डियर का झुंड टाइगर नॉस्ट्रेल यहाँ नहीं है, फिर भी कॉल कर देता है, एक बार चेक करते हैं। जंगल बैबलर चलेंगे हम मचान में, मचान से चेक करेंगे, हम मचान से ऊपर जा रहे हैं चेक करने के लिए कुछ वो, क्योंकि यहाँ एक वाटर होल है उसी में देखेंगे कि बाई चांस टाइगर बैठा ना हो। बहुत ध्यान से ऊपर चलना, जोशी जी बता रहे टाइगर के यहाँ की मेन जगह है, इसी इलाके में रहता है वो कि जोशी जी, जी। पानी इसी इलाके, क्योंकि पानी यहीं पे है यहाँ पे, बट अभी
तो दिख नहीं रहा। और आगे देखते हैं। लोग उतर रहे हैं, मैं भी उतरता हूँ बहुत ध्यान से। चढ़ गए लोग मचान से, चढ़िए टोली से चढ़िए गाड़ियाँ। तो यहाँ चलाने के लिए आपको एक्सपर्ट ड्राइवर होना पड़ेगा, वरना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव हियर। और फिर आ गए हम ग्रासलैंड को, एक रोड ब्लॉक आ गया, लेकिन इसके लिए भी एक साइड से रास्ता है। थोड़ा ओपन एरिया आ गया, इतना बड़ा अगला महीना पूरा साफ हो जाएगा। इधर का जी अभी हम पास करवाने की तरफ आप लेते हैं। और आजकल जो सफारी के टाइमिंग्स है वो है सुबह 7:15 से और लास्ट एंड में है सफारी इवनिंग की 5:30 पे हमें गेट पे पहुंचना होता है। तो अभी हम एग्जिट के पास ही पहुंच रहे हैं क्योंकि 5:30 हो रहा है। मैं मोबाइल में देख रहा था कि कितना बज रहा है, मोबाइल में हो गया है 5:45 5:50। लेकिन नेपाल में हम पीछे चलते हैं थोड़ा, तो इस वजह से टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। और आगे पे कितना हैबिचुअल है। गाड़ी बंद कर दो, थोड़ा बोलना बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो बंद। हमारी सफारी का टाइम हो चुका है, हम गेट से बाहर आ गए हैं। तो ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ दिखते हैं। हाँ जी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही हैपनिंग एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत सही लगता है यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे एक अलग फीचर होता है जंगल वॉक, और उसमें कोई डिफाइंड ट्रैक नहीं होता, कहीं भी आप जा सकते हैं। जहाँ पर मुझे घुमा के आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इसको, है ना? आपको इतना मज़ा आया, आगे आगे भाग रही थी आगे जंगल वॉक में। और हम आ गए हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बताइए? बहुत बढ़िया रहा। पहली बार जंगल वॉक किया आपने? हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग था। डर भी लग रहा था, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों के ऊपर से अंदर से जा रहे हैं। हाथी भी हो सकता था, राइनो भी हो सकता था, और कुछ भी हो सकता था, टाइगर भी हो सकता था। तो पहला एक्सपीरियंस था अलग सा, मैं चाहती तो नहीं थी पर मज़ा आया। मज़ा क्या करना ही था, क्या कर सकते हैं, चलो क्या। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया, फर्स्ट सफारी का बढ़िया, जंगल वॉक करने में मज़ा आया। चलो कल देखते हैं, जंगल वॉक कंटिन्यू करेंगे। और हम पहुंच चुके हैं होम स्टे में, जिस सफारी गाड़ी में हम गए थे, जिनकी वो गाड़ी थी, जो ड्राइवर भैया है उन्हीं का ये होम स्टे है। कोजी सा, नीट एंड क्लीन, दो बेड्स लगे हुए हैं। तो हमने दो रूम्स ले लिए हैं, भैया और खत्री जी बगल वाले रूम में रह जाएंगे, हम दोनों इस रूम में। सो गाइज, आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल, विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।